Hello everyone, this is Dr. Anjali Kumar bringing you greetings once again from Maitri. Maitri एक ऐसा चैनल है जहां पर हम फीमेल हेल्थ से संबंधित हर जानकारी आपको देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को आई पिल, अनवांटेड 72, प्रिवेंटॉल, नो विल पिल के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। दो प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। एक होती है रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एक होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सो आज हम केवल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में जानेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को मॉर्निंग आफ्टर पिल या प्लान बी पिल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह टर्म बिल्कुल गलत है क्योंकि इसको लेने के लिए अगली सुबह का इंतजार नहीं करना है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का क्या मतलब है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब है कि यह एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। याद रखिए, यह एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है, यह केवल एक बैकअप का काम करती है। सो आइए समझते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लेने का सही तरीका क्या है। तो जैसा कि आप इस पैकेट को देख सकते हो, इसमें केवल एक ही टैबलेट है। इस टैबलेट को अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के तुरंत ही बाद लेना है। मैक्सिमम 72 आवर्स के भीतर इस पिल को लेना है, मतलब दिस पिल शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। Earlier you take it, the better it is. माने जितना जल्दी हम उसको लेंगे उसकी फेलियर रेट उतनी ही कम होगी। इस पिल को खाना खाने के बाद लेना है। इस पिल की वजह से कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस पिल को खाना खाने के बाद लेना है। अगर इस पिल को लेने के विद इन 2 आवर्स आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो आपको दोबारा पिल लेने की जरूरत पड़ेगी। उस केस में पहले आप कोई एंटी वॉमिटिंग टैबलेट ले लीजिएगा, आधा घंटा इंतजार कीजिएगा और उसके बाद फिर से ये टैबलेट ले लीजिएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैम एक ही टैबलेट सफिशिएंट है, कहीं 2 टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है? बट टेकिंग 2 टैबलेट्स डज नॉट गिव एनी एडवांटेज, माने कि 2 टैबलेट लेने का कोई फायदा नहीं है, केवल एक ही टैबलेट सफिशिएंट है। अगर एक साइकिल में आपको 2 बार या 3 बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जरूरत पड़ती है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जरूरत है। याद रखिए, यह केवल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इट इज नॉट टू बी यूज्ड एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आफ्टर एवरी इंटरकोर्स। सो आइए अब ये समझते हैं कि यह पिल किस प्रकार से काम करती है। इस पिल में एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे हम लीवोनॉर्जेस्ट्रल बोलते हैं। सो नंबर 1, इसकी वजह से हर महीने मिड साइकिल, जो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं, हर महीने एक एग रिलीज होता है। सो इस पिल की वजह से ओवुलेशन इज ईदर प्रिवेंटेड और डिलेड। सेकेंडली, दिस पिल कॉजेज द सर्विकल म्यूकस टू बिकम थिक, सो दैट स्पर्म्स उस सर्विकल म्यूकस में ही ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर को नहीं जा पाते। थर्ड, इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन ऑलरेडी हो चुकी है या अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो ये पिल असर नहीं करेगी। सो अगर इस पिल को लेने के बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है या अगला पीरियड आपको बहुत हैवी आता है या पेनफुल आता है, यू मस्ट इन्फॉर्म योर डॉक्टर। सो अब ये समझते हैं कि पिल की फेलियर रेट क्या है। अगर ये पिल विद इन 72 आवर्स ली जाती है तो इसकी इफेक्टिवनेस अबाउट 80-90% होती है। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है या अगर आपका पीरियड हैवी या पेनफुल आता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। सो अब ये समझते हैं कि आपको ये पिल की जरूरत कब कब पड़ सकती है। नंबर 1, अगर आपका कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है।
Secondly, if the condom breaks, tears or slips off. Third, if you're using a diaphragm or a cervical cap and it comes out. Fourth, very important, agar aap regular contraceptive pill lete hain aur beech mein aapki do tablet se zyada tablet miss ho jati hain, to bhi aapko emergency contraceptive pill leni. बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इस पिल को लेने के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. सो पहली बात, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जनरली सब एजेस के लिए सेफ होती हैं. इसके कुछ माइनर से ही साइड इफेक्ट्स होते हैं. नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसको खाने के बाद लेना चाहिए. इससे थोड़ा बहुत कभी कभी हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है. बहुत लोगों को पिल के लेने के बाद 4-5 दिनों के बाद या हफ्ता 10 दिन तक भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है. अगले एक या दो साइकिल्स भी इरेगुलर हो सकते हैं, लेकिन उसको घबराना नहीं है. सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आपका पीरियड मिस हो जाए तो आपने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. यह जानना भी बहुत जरूरी है कि इस पिल को कब नहीं लेना है. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप सस्पेक्ट कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो इस पिल को नहीं लेना है. अगर आपको रेगुलरली किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जरूरत पड़ती है, तो आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी है. आपको इस पिल का इस्तेमाल एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह नहीं लेना है. एक और चीज जो आप सबको बहुत जरूरी है समझना, कि ये एक अबॉर्शन पिल नहीं है. जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, इस पिल को लेने से आपका अबॉर्शन नहीं होगा. सो अगर आपको ये जानकारी अच्छी और यूजफुल लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैथ्री एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड आई विल सी यू सून.